मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर डाइस चैनल। दिस इज़ मी सोहेल अहमद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट टू बी पे, पास्ट टू बी टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट टू बी टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो हैं वाज और वर। वाज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ। और आई के साथ भी हम वाज यूज़ करते हैं। जनरली आई जो काउंट होता है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, मगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वाज यूज़ करते हैं आई के साथ। और वर जो यूज़ होता है वो प्लूरल के साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, फॉर एग्जांपल यू, वी, दे और डबल नेम्स। फॉर्मेशन पास्ट टू बी की जो है, पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं अफर्मेशन में, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स वाज वर और फिर कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव में पहले हम वाज वर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। और नेगेटिव में पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स वाज वर नाट, फिर कॉम्प्लीमेंट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम पहले हेल्पिंग वर्ब्स वाज वर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और फिर कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल, ही वाज स्टूडेंट, ये स्टूडेंट था। वाज ही स्टूडेंट, क्या ये स्टूडेंट था। ही वाज नॉट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट नहीं था। वाज ही नॉट स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट नहीं था। ये कुछ एग्जांपल हैं। मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि टू बी टेंसेस जो तीन हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते, ना ही हम मेन वर्ब्स यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देखें। उसमें कॉम्प्लीमेंट मैंने डिफ़ाइन किया है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट में कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं।